जगदीशपुर में रामनवमी शोभा यात्रा समिति के मुख्य कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह किला प्रांगण स्थित साकेत कला कुंज सह रामलीला समिति कार्यालय के प्रांगण में रामनवमी शोभा यात्रा समिति के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा समिति के संरक्षक महंत रामजीवन दास जी महाराज, नगर पंचायत के चेयरमैन संतोष कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तैयारी को लेकर आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया, क्या उद्देश्य के लेकर आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया? हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग जनमानस में ये संदेश दे दे कि आज से हम लोग पूर्ण रूप से श्री राम के कार्य करने के लिए लग गए और जो आगामी 10 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी आज से उसकी पूर्ण। मौके पर मौजूद सैकड़ों गणमान्य व धर्म प्रेमी लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी जगदीशपुर में भव्य रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसके संचालन व अन्य कार्यों की देखरेख के लिए आज मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। 2 वर्ष तक वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार काफी भव्य तरीके से रामनवमी शोभा यात्रा को निकाले जाने में हम सभी को एकजुट होकर शामिल हो यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है। क्या विशेषता रहेगी रामनवमी? इस बार की विशेषता हम लोग की यही रहेगी कि पिछला 2 साल जो हम लोग ने कोरोना में काटा, उस भयावता से जो हम लोगों ने गुजरा, उस भयावता में हम लोगों ने एक ही चीज देखा कि आपस में हम लोग प्रेम और एक दूसरे के सहयोग में रहें तो हम लोग किसी भी विपत्ति को पार पा सकते हैं। यही श्री राम का उद्देश्य भी रहा है और संदेश भी रहा है। वहीं चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि हम और हमारी पूरी नगर पंचायत की टीम शोभा यात्रा के बेहतर तरीके से आयोजन को लेकर सदैव तत्पर रहेगी, जिससे शोभा यात्रा में शामिल होने वाले धर्म प्रेमियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। उद्घाटन कार्यक्रम को महंत रामदीवन दास जी महाराज, उप चेयरमैन संजय पासवान, दावा मुखिया सुषुमलता, जिला परिषद सदस्य पूनम कुशवाहा, सह संरक्षक सुरेंद्र शाह आदि ने संबोधित करते हुए आम लोगों से शोभा यात्रा को भव्य बनाने में सहयोग की अपील की है। कार्यक्रम का संचालन आलोक भारद्वाज ने किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन मुकेश कुमार गुड्डू, जवाहर शर्मा, मिलिंद चौधरी, राजू मिश्रा, वार्ड पार्षद रविन्द्र चौधरी, अर्जुन प्रसाद, ध्रुव जी, अभिषेक कुमार अप्पू, अमन इंडियन, राजू सोनी, रविशंकर गुप्ता, सुनील कुमार पंडा, मुन्नीलाल शर्मा, गौतम सिन्हा, रंजन सिंह, अखिलेश कुमार पुतुल, शंभू केसरी, जितेंद्र सिंह, सुभाष कुशवाहा समेत सैकड़ों गणमान्य व धर्म प्रेमी लोग उपस्थित रहे। आज पूर्णतः शुरुआत हो गई। किसने उद्घाटन किया? आज हमारे महंत संरक्षक महंत श्री रामजीवन दास जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, प्रतिवर्ष की जाती है। और सभी गण्यमान व्यक्तियों को हमारे नगर और नगर के आसपास जितने भी हैं, महिला और पुरुष सभी को हम लोग आमंत्रण दे। भोजपुर न्यूज के लिए जगदीशपुर से अभिषेक हर्षवर्धन की रिपोर्ट। इस खबर को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।